झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्ताधारी जेएमएम के नेताओं ने टाटा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विस्थापितों की मांग को लेकर जेएमएम के विधायक और विस्थापित लोग जमशेदपुर में टाटा कंपनी के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज नेताओं ने बताया कि कंपनी स्थानीय लोगों को नौकरी तक नहीं दी रही है। जेएमएम के नेताओं ने कहा कि अगर कंपनी ने मांगों पर विचार नहीं किया तो पूरे राज्य में टाटा के खिलाफ आंदोलन होगा। जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से जो विस्थापित है उनकी अपनी मांगे हैं, टाटा कंपनी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जो जेएमएम के विधायक नेता हैं वो भी इनकी आंदोलन में शामिल हो गए हैं, तो किस तरीके से क्या लगता है कि टाटा कंपनी पर इसका असर पड़ेगा और तस्वीरें क्या कुछ वहां देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, ये जब टाटा कंपनी जब जमशेदपुर में जब बैठी थी 114 साल पहले, तो जमशेद जी नौतरवान जी टाटा साहब का यह सपना था कि जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो मजदूर है, उनको पूरा अधिकार मिले। लेकिन अब धीरे धीरे यह अधिकार अब खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उलगुलान शुरू कर दिया है। और उसका सिर्फ एक ही इन लोगों का डिमांड है कि स्थानीय लोग जो है उनको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आदिवासी मूलवासी को मिलना चाहिए। अब तो कंपनी यहां से अपने कार्यालय को महाराष्ट्र में शिफ्ट कर रही है, जिसका वो विरोध कर रही है। एक बार हम टायो गेट के बाहर का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये नजारा देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये यहाँ पर विधायक है, वो यहाँ पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता बाबूलाल जी है यहाँ पर, वो यहाँ पे मौजूद है, पूरी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। और सीधे तौर पर इनका यही डिमांड है कि जो टाटा कंपनी ने जो वादा किया था स्थानीय लोगों को, जो आदिवासी मूलवासी का उनके अधिकार का, तो उनका अधिकार का हनन हो रहा है। टाटा की जो मनमानी चल रही है वो अब मनमानी नहीं चलेगी, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लीडर, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम लीडर यहां पर मौजूद है। और इन लोगों का सिर्फ जो डिमांड है कि टाटा अपनी मनमानी जो है वो बंद करे। अगर मनमानी बंद नहीं करेगी टाटा, तो अभी तो सिर्फ कोल्हान में प्रदर्शन हुआ है, आने वाला समय ऐसा होगा कि पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ बाबूलाल जी है। बाबूलाल जी, क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का आज जो नाकाबंदी किया है 24 घंटा का, विश्वम गुरु शिव सोरेन से और चंपाई सोरेन का निर्देश अनुसार से आज हम लोग टाटा कंपनी का जितना भी कंपनी है, कंपनी गेट में हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बंदी में धरना में शामिल है। इसलिए शामिल है कि हम लोग टाटा कंपनी को बनाया है, यहाँ का लोग जमीन दिया उसको और मेहनत करके टाटा कंपनी को एक नंबर पूरा विश्व में एक नंबर कंपनी में गिना जाता है। तो हम लोग आशा नहीं, उसको डिमांड के अनुसार से हम लोग ये लेटर दोबारा उसको अवगत कराया है कि स्थानीय लोगों को, जो विस्थापित लोगों को यहाँ टाटा कंपनी में नौकरी दिया जाए, इसी के लिए हम लोग ये किया है। और हम लोग को सुनाई दिया है कि वो टाटा कंपनी आपका यहाँ कंपनी चलाएगा और ऑफिस दूसरा जगह, उसी के लिए हम लोग बंदी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण इसमें शामिल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज।